जी माई डियर फ्रेंड्स सो so, कॉमर्स गुरु जी में स्वागत है आपका सो so, आज अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं देखिए फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है मैनेजमेंट का ठीक है ना क्लास ट्वेल्व का जो है क्लास ट्वेल्व का जो है हम लोग बी एस टी पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट सो बेसिकली तीन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का होता है क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव थर्ड हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव सो देयर आर द थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट सो कितना ऑब्जेक्टिव है भाई थ्री ऑब्जेक्टिव है पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ना और दूसरा हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव थर्ड हो गया पर्सनल ओ एस पी हो गया ऑर्गेनाइजेशनल और पहले हो गया ऑर्गेनाइजेशनल दूसरा क्या हो गया सोशियल एंड थर्ड हो गया पर्सनल सो थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तो पहले क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ भाई से इन ए ऑर्गेनाइजेशन है ना पहले क्या इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ऑर्गेनेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव दो हो ऑब्जेक्टिव टू सेट बाय द मैनेजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑब्जेक्टिव मतलब हर एक कंपनी का हर एक गोल होता है है ना सो वो गोल को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जैसे हो गया प्रोडक्शन ऑफ वन लैक्स मोबाइल एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वन लाख मोबाइल इन वन मंथ दैट इज व्हाट ऑर्गेसनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि दो लाख दो करोड़ का सेल बनाना करना है सो दैट माइट बी ऑब्जेक्टिव वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव उसको बोलते हैं ऑर्गेसनल ऑब्जेक्टिव उसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव एंड द इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव जैसे होगा सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ सो तीन चीज है पहले क्या है सर्वाइवल दूसरा क्या है जैसे मैंने आपको बताया इसमें सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ ये तीन चीजें मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो भाई सर्वाइवल सर्वाइवल मतलब क्या अरे कंपनी जब बचेगा तब ना आगे कुछ करोगे सो कंपनी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर्वाइवल भाई करेंट जो सिचुएशन है कंपटीशन जो है उसको एलिमिनेट करके सस्टेन करना उसके बाद क्या प्रॉफ़िट जनरेट करना भाई प्रॉफिट नहीं जनरेट करोगे तो फिर आगे बढ़ोगे ऐसे एक्सपेंशन कैसे करोगे है ना और लास्ट चीज है ग्रोथ सो टर्न ग्रोथ हो सकता है और सेल्स ग्रोथ हो सकता है और बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है है ना तो so, छोटा सा बड़ा कंपनी बनना सो दीज आर द सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट पहला ऑब्जेक्टिव ठीक है सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव सेकेंड क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव तो देखिए कंपनी जो है और बिजनेस जो है क्या है सोसाइटी से कुछ ले रहा है है ना रिसोर्सेस को यूज कर रहा है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है सोसाइटी को कुछ दे है ना सो दैट इज द सोशल अल्टी द बिजनेस शुड कंडक्ट द एक्टिविटी फुल एक्सप्लोटेशन ऑफ द सोसाइटी भाई सोसाइटी से कुछ ले रहा है तो बिजनेस क्या है कुछ जैसे दे। हो गया रिसोर्सेज को यूज कर रहा है सो so उसको क्या है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है सोसाइटी के लिए कुछ करे एम्प्लॉय कुछ करे स्टेक होल्डर के लिए कुछ करे जैसे कोल इंडिया है कोल इंडिया का मैंने है कोल एस्ट्रक्शन सो तो जो जमीन से कोयला निकालते हैं तो जो जिस जमीन जो लेते हैं उसको मुआवजा देते हैं उनके लिए जॉब देते हैं उन लोग के लिए स्किल डेवलपमेंट करते हैं उनका पानी की व्यवस्था करते हैं बिजली की व्यवस्था करते हैं है ना दी जाता है सोमवर सोशल एजॉर्टी और सी एस आर जो है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी कंपनी का होता है ठीक है और अदर सोशल एजॉर्टी जैसे क्या हो सकता है देखिए सब मतलब तो सोशल ऑजेटिव जैसे हो गया आपका सबसे पहले क्या प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एनवायरमेंट को सही तरह रखना है भाई अच्छा से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ही करेंगे ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि सोसाइटी को हार्म करेगा और तो क्या होगा वहाँ पॉल्यूशन फैल जाएगा तो बिजनेस को कोई पूछेगा नहीं पूछेगा और वही क्या बैड जो है कि सिटीजनशिप कहलाएगा कॉरपोरेट है ना तो पहला हो गया प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एयर वाटर पोल्यूशन नहीं करना है सेकेंड हो गया जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सेकेंड क्या हो एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करना भाई ऑर्गेनाइजेशन में है तो क्या करेगा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑब्जेक्टिव भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है तब की ताकि सोसाइटी को कुछ दे पाए है ना एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया था पहले कोल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी है वो स्किल डेवलपमेंट कराता है है ना थर्ड हो सकता है अदर सोशल ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटी जैसे हो गया स्कूल वगैरह हो, हो गया है ना स्किल डेवलपमेंट में आपको बताया था एंड फिर थर्ड हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिजली पानी मैंने बताया था है ना और अदर जैसे हो गया सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट विथ फेयर प्राइस बेस्ट प्रोडक्ट देना है विथ बेस्ट प्राइस में है ना नेक्स्ट कंडक्ट द बिजनेस विथ लॉफुल मैनर भाई लॉफुल मैनर में करना है ऐसे नहीं कि रूल रेगुलेशन को नहीं मानना है सो एथिकल स्टैंडर्ड और कंपनी का हर एक कंपनी का रूल रेगुलेशन इनकम टैक्स रो एक्ट फॉलो करना है है ना और जो भी जैसे बी गाइडलाइन हो गया है ना अदर जो भी गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है रूल है रेगुलेशन है इंडस्ट्री वाइज भी स्पेसिफिक होता है उसको फॉलो करना है एंड लास्ट जो गया है गया द एंटी सोशल एंड ऑन एथिकल प्रैक्टिस जैसे ब्राइवरी हो गया ऑन एथिकल है कि नहीं भाई रिश्वत लेना ये क्या ऑन एथिकल प्रैक्टिस है है ना so, सो ये सब जो है सोशल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है मैं आपको बताया नेक्स्ट आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है लास्ट हो गया पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पर्सनल और इंडिविजुअल यह हो गया पर्सनल और इंडिविजुअल इंडिविजुअल फाइनेंस फाइनेंशियल नीड जिसको मतलब पैसा का जरूरत भाई कंपनी चलने के लिए पैसा चाहिए सैलरी देना पड़ेगा वेजेस देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी भी पेमेंट करना पड़ेगा है कहाँ से पैसा लाओगे कहाँ से पैसा दोगे कैश फ्लो मैनेजमेंट करना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना है है ना बिजनेस चलाने के लिए तो उसके लिए फाइनेंस नीड चाहिए है ना ऑब्जेक्टिव तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ़ द फाइनेंस करना है सोशल नीड मैं आपको सोशल कॉर्पोरेट सोशल सोशलिटी भी मैं बता देता हूँ सी एस आर जिसको बोला जाता आप टॉप में जब सी एस सी ए में सी एस करोगे तो वो पूरे डिटेल में पढ़ोगे बट लिटिल बिट आपका कोर्स में भी है तो सी एस आर सोशल एक्टिविटीज में मैंने आपको बताया क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कंपनी की जो प्रॉफिट मोटिव खाली नहीं है इसके साथ साथ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देना है और जो है कि जो सोसाइटी जहाँ पर है वहाँ अगर लोगों का जो है बेसिक फैसिलिटी वगैरह का सुविधा है बस प्रोडक्ट देना है है ना ये सब सोशल नीड हो गया और जो एम्प्लॉय है उसको क्या बेस्ट जॉब देना है उसको सेटिस्फेक्शन देना है है ना तो ये हो गया सोशल नीड नेक्स्ट हो गया खाना पीना रहना जो बेसिक नीड नेक्स्ट हो गया पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भाई कंपनी ग्रोथ करेगा ना ग्रोथ करना चाहिए हमेशा करेगा तो कैसे करेगा ओनली जनरेशन ऑफ प्रॉफिट है ना कॉस्ट कम करना है प्रॉफिट को बढ़ाना है बाय रेजिंग द सेल बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना है सेल को एनहांस करना है देन गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन भाई जहाँ वर्कर काम कर रहे हैं जहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ डस्ट फ्री होना चाहिए है ना प्रोटेक्शन हो हो होना चाहिए वुमेंस लोगों के लिए जैसे बेसिकली वॉशरूम वगैरह बढ़िया से नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड नीट एंड क्लीन फ्लोर होना चाहिए है ना वर्कशॉप वगैरह है ना इसीलिए सिक्स आर भी होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए सिक्स बीमा होता है तो so, बहुत सारे ये जो है प्रैक्टिस फॉलो करके और हाइजीनिक और गुड जो है हेल्दी वर्किंग कंडीशन देना है सो दीज आर द सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट ठीक है ये मैं आपको बता दिया नेक्स्ट हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ठीक है सो माई डियर फ्रेंड हम लोग इसको शुरू करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सो so, क्या है पहला हो गया हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल हैं है ना जैसे एम्प्लॉय हैं मैनेजर्स हैं तो उन लोग का इंडिविजुअल गोल है जैसे गोल क्या होता है ड्रीम विथ डेड मतलब हो गया मेरे को कार खरीदना है मेरे को बंगला करना है गाड़ी खरीदना है मेरे को वर्ल्ड टूर जाना है दीज आर द गोल्स ये सब गोल है तो जो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल और मतलब हो गया इंडिविजुअल गोल और कंपनी गोल अचीव होना चाहिए अगर इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन रहेगा एम्प्लॉ अगर खुश रहेगा अच्छा प्रोडक्शन करेगा अच्छा मन से काम करेगा तो कंपनी का गोल अचीव हो पाएगा दैट इज़ हॉल कॉल अचीविंग द ग्रुप गोल सो इंडिविजुअल गोल और कंपनी गोल सेम हो जाए इफ एनी वेरियंस इज दे दैट शुड बी मिनिमाइज उसको एलिमिनेट करना है रिड्यूस करना है सो ग्रुप गोल इज द मोर इम्पोर्टेंट देन द इंडिविजुअल गोल और इंडिविजुअल गोल से ज़्यादा ग्रुप गोल चाहिए मतलब क्या कंपनी का गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन द इंडिविजुअल गोल बट इंडिविजुअल को सेटिस्फेक्शन रखना है एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन करना है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन देना है अच्छा सैलरी देना है अच्छा बोनस देना है ग्रोथ देना है और ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी करना है साथ साथ जो है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल गोल को क्या करना है दोनों को बहुत मिनिमम गैप होना चाहिए और नहीं होने से भी बढ़िया है सो बट इंडिविजुअल गोल से ज़्यादा कंपनी को गोल इंपोर्टेंट होना चाहिए एसेंशियल टू कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल जैसे मैंने बोला कंपनी का गोल जैसे वन लैक सेल्स करना है क्वान्टिटी अब मोबाइल कंपनी बना रहा है उसको अचीव करना तो so, कंपनी का गोल है पहला इंपोर्टेंस हो गया ठीक है सेकेंड इंपोर्टेंस क्या है इंक्रीज द एफिशिएंसी भाई कंपनी का एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो एफिशिएंसी क्या है मैंने पहले बता दिया था मैनेजरमेंट हेल्थ अचीव द गोल विद द मिनिमम रिसोर्सेस तो एफिशिएंसी मतलब क्या हो गया इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मैंने पहले आपको बता दिया था लेकिन फिर भी मेरे को समझा देता हूँ एफिशिएंसी मतलब क्या होगा ए मैनेजर अगर कोई गोल को अचीव करता है विद मिनिमम रिसोर्सेस कॉस्ट को कम करके उसको बोलते हैं एफिशिएंसी है ना सो मैन ऑर्गेसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है को रिसोर्सेस को यूज करना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस करना है है ना सो दैट द कंपनी कैन डू बेटर वे और मैक्सिमाइज़ द एफिशिएंसी। थर्ड हो गया क्रिएट द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भाई ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता जाता है डायनेमिक मतलब जैसे सिचुएशन होगा उसे ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करना पड़ता है सो अप्रोप्रिएट चेंजेस मस्ट भी इंट्रोड्यूस इन दर्गनाइजेशन वैन इट इज़ नीडेड जैसे जी एस टी आ गया जी एस टी का नया रूल हो गया कंपनी को उसी तरह ढांचे में ढलना है उसी तरह जो बिल्डिंग करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है सो so, जो जब भी कोई चेंजेस है कोई ऐसे रूल रेगुलेशन चेंजेस है तो कंपनी को तैयार होना है ताकि वो एडोप्ट कर पाए टेक्नोलॉजी के साथ सिस्टम के साथ तब कंपनी सर्वाइव करेगा अदरवाइज कंपनी डूब जाएगा बहुत ऐसे कंपनी है जैसे पतंजलि आया अभी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है उसके पहले जो है कोडे कोडेक्ट रोल आप देखे होंगे कैमरा वो है अभी कंपनी नहीं बना रहा है कोडेक रोल तो, है ना वैसे बहुत है जो है कि कंपनी इतना ज़्यादा नहीं चल पाता तो चैलेंजेस को फेस करना है डेमिक होना है देन मैनेजर मैनेजमेंट हेल्प द पीपुल एम्प्लॉय टू द चेंजेस थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन भाई जब भी कोई चेंजेस मैंने आपको बोला जैसे एस पहले आया था कंप्यूटर यूज़ करने के लिए तो एस के आई एम्प्लॉय ये कहते क्या वो लोग बोलते हैं हतार में ले गए चले गए थे बट टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है ना तो कंप्यूटर को अडोप्ट करना है तो धीरे धीरे क्या एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है स्किल डेवलपमेंट करना है ताकि वो एडोप्ट हो पाए और कंपनी भी सर्वाइव कर पाए है, है ना सो दीज आर दम ऑफ द सर्टन डायनामिक ऑरिजनल चेंजेस देन हैव द अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल विदेशनल इंडिविजुअल मेंबर और टीम सुड एबल टू अचीव दै पर्सनल जैसे मैंने आपको पहले बताया था गोल भाई मेरे को जो कार खरीदना है बंगला करना गाड़ी खरीदना है तो अच्छा सैलरी मिलेगा तब होगा ना है ना तो कैसे होगा अच्छा से काम करेंगे तो अच्छा से काम करेंगे तो अच्छा कंपनी तो ग्रोथ होगा तो अच्छा सैलरी हमको देगा तो हम अपना घर खरीद सकते हैं बंगला खरीद सकते हैं है ना या गाड़ी खरीद सकते हैं सो इंडिविजुअल गोल एंड कंपनी गोल शुड भी टाई बट कंपनी गोल शुड भी फर्स्ट गिविन द प्रायोरिटी कंपनी गोल तो होगा अच्छा से काम करोगे हम खुशी से रहेंगे तो कंपनी का गोल अचीव हो पाएगा नेक्स्ट क्या है हेल्पिंग डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी भाई सोसाइटी से कुछ ले रहे हो कंपनी तो सोसाइटी को कुछ देना है ठीक है सो मैनेजमेंट डेवलप नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन बट ऑफ़ द सोसाइटी जैसे मैंने कोल इंडिया का एग्जाम्पल लिया था जहां पर जो कंपनी जो सोसाइटी में जो कंपनी है वो आस पास में जो है सोशल सोसाइटी को डेवलप करना है इलेक्ट्रिसिटी बिजली पानी एजुकेशन और अदर जो फैसिलिटी हो सकता है बेसिक फैसिलिटी उन लोग को देना है ताकि कम्युनिटी भी डेवलप हो और सोसाइटी डेवलप हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सोशल ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही बता दिया था वो सब इसी में आएगा ठीक है दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डेवलप कर रहे हैं सो दिज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पहले क्या हुआ

सो so, वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों फ्रेंड को शेयर कर दीजिए पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करा लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन पहला वीडियो आप ही के पास आएगा और पुराने हो तो एक थम आ लाइव कर दो ताकि हमको और अच्छे मोटिवेट होकर बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए हम बना पाएँ और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच फ्रेंड थैंक यू